बेटा आप लोगों ने, अगर सिर्फ इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि यार नहीं, हम ऑनलाइन कोर्स में तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। हमारी फैमिली ने बोला था कि कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए ले लो, जिससे कि शाम का टाइम खराब ना हो। कोचिंग जाना था तो इसलिए हमने ये कोर्स ले लिया है। कई लोगों की अप्रोच बस यही चल रही होगी। आप लोगों ने बेटा ये देखा कि हम लोग के जितने भी ऑनलाइन बैच हैं, आपको पता है आप लोगों के जितने भी मैक्सिमम सिलेक्शन आए हैं, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, जिनके AIR बहुत अच्छी आई है, वो आपने ध्यान से देखा है। तो खास करके जो 2 ईयर प्रोग्राम में थे, पहले उन लोगों ने अर्जुना और फिर लक्ष्य, तो वो बेटा अर्जुना से उन्होंने मन लगा करके पूरा 11th कंप्लीट किया। कई बार रिजल्ट हमें उस समय नहीं नजर आता है बेटा। कई बार आप लोग अभी जो चीजें सीख रहे हो, वो बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके बेबी स्टेप से सीख रहे हो। आप इसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। और फिर लक्ष्य से उन्होंने क्या किया बेटा, अपना 12th किया। और सब लोगों ने, आपने ये सुना है ना, वो सबसे ज्यादा रिग्रेट, किसी का भी आपने सुना हो, कोई भी सुना हो, AIR आप 25 से लेकर के जिनके 700 नंबर हैं, 711 नंबर हैं, 690 नंबर हैं, इन सब ने यही बोला कि यार हमारी तो, उन्हें रिग्रेट था इस बात का। भले ही उन्होंने इस रिग्रेट को अपने कामयाबी में बदल लिया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर उन्हें रिग्रेट एक चीज का था कि उनकी 11th क्या हो गई बेटा, बर्बाद हो गई। आपके पास अभी वो मौका है कि वो चीज ना बर्बाद होने दो। सब लोगों ने यही बोला, मेरा 11th खराब हो गया, मेरा 11th खराब हो गया, मेरा 11th खराब हो गया। फिर जाकर के उन्होंने 12th में 11th का भी कोर्स पढ़ा, तब जाकर के बेटा उनका ECR सिलेक्शन हुआ है। आप चीजों को समझो। तो आप प्लीज कोशिश करना बेटा कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग आपका 11th होगा, उतना ही सुपर स्ट्रॉन्ग आपका 12th हो जाएगा बेटा, अगर आप सीधे सीधे सिलेक्शन की तरफ चले जाओगे। अब ध्यान से सुनो, वो हमेशा यही समझा रहे थे कि सर मेरा 11th खराब हो गया था, फिर मैंने 12th में 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करी, प्लस 12th में बोर्ड का भी प्रेशर था। बेटा आपके पास इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने 12th को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, 11th को बहुत बढ़िया रगड़ के पढ़ लो कि यार 11th हमसे अच्छा कोई जानता ही ना हो इस दुनिया में, आप तो ये मान के चलो। और आप देखो बेटा, अब तो मतलब प्रूवन रिजल्ट है बेटा, ये सारे के सारे आपके सामने आए हैं। और अब जो ये डिल्यूजन लगा रहता था कि नहीं यार इधर पे तो बस पढ़ाते हैं, आप लोगों ने भी देखा कि अपन कम से कम 1.5 घंटा सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते हैं, 2-4-5 मिनट के हंसी मजाक को ये लोग यही सोचते हैं कि यार नहीं ऑनलाइन में तो चीजें बस पढ़ा देते हैं, रैंक के प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अब आप जो उस साइड बैठे हुए हो बेटा, वो और कोई नहीं, रैंकर्स ही हो, बस आपको अपनी इसी पढ़ाई को बहुत स्ट्रांग वे में आगे ले जाना है।